और नदीम भाईजान की जो बल्लेबाजी देखने के बाद में सामना करेंगे एक बार फिर जोन पी टू बॉल निकाला गया उसको अंपायर के सारे जबरदस्त शॉट। हेलो अदनान बड़गुजर भाई, छह रन के लिए इसको ढाले कैसे? ये शुक्रिया मंसूर भाई, शुक्रिया शुक्रिया। ये लो भाई आपके पास शॉट, जबरदस्त शॉट निकला विनय चौधरी भी इस मुकाबले में लाइव में जुड़े हैं हमारे साथ। विनय भाई स्वागत है आपका, आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दो बेहतरीन अंपायर राजस्थान टेनिस क्रिकेट के, हमारे साथ लाइव में है और इस बेहतरीन मुकाबले का आनंद उठा रहे हैं। इसी बीच एजाज के बल्ले से रिवर्स हिट के रूप में निकला है। मैं तो लोकेश मीणा है क्या भाई? नहीं, लोकेश मीणा नहीं है भाई। खबर तो आई थी कि मंडेला की टीम में लोकेश मीणा खेलने गए, लेकिन नहीं है भाई। तो उन तक शेयर किया जाए, ये मुकाबला पहुंचाया जाए। आदिल भाई नहीं खेलते हैं, सीजन से जब खेलते थे तब उन्होंने 3 बार नेशनल कैंप किया है। टाई 11 की टीम की तरफ से जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिलती है इनके द्वारा और यहाँ पर लतीफ के द्वारा। एक 24 पॉइंट है नदीम के, 24.5 पॉइंट है। उसके बाद में शाहरुख टाई जो कि अभी कीपिंग में ही बता रहे हैं 95 रन 10 ओवर में बने हैं। उसके बाद में एजाज मंडेला भी हैं। चंद्र खान हेलो, हाँ भाई बताएं। मंडेला इसाक खान बोल रहे हैं, किरकिरोज पर किस नाम से है? किरकिरोज पर आप सर्च करें मून बाग। ये एक और, अब की बार लतीफ के बल्ले से एक और जबरदस्त शॉट भाई। जो भी लतीफ का विकेट लेगा मैं उसे उसी से ऑस्ट्रेलिया से लाइव बात करूंगा। देखिए कि लतीफ की बैटिंग, हाँ बिल्कुल बहुत जबरदस्त बैटिंग चल रही है लतीफ की। मंडेला का मैच कभी नहीं छोड़ते हैं, ये मंडेला की टीम के बहुत बड़े फैन है इमरान खान गांगिया सर से। इस टूर्नामेंट में एक शतक जरूर नदीम के बल्ले से निकला यार। जबरदस्त शॉट देखने को मिला चंदर का, पता है इसमें इस बार उल्टा फटा, शायद निकल गई गेंद, कोई मौका नहीं किसी बल्लेबाज के पास, गेंद सीमा रेखा से बाहर।